बरेली में रात के समय में होटल के कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 3 कर्मचारियों में से एक की मौत हो गई। दो की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर स्थित मार्श मैलो होटल के कमरे में अंगीठी जलाकर सोए इज्जत नगर थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी निवासी संजीव कुमार पुत्र राम अवतार की मौत हो गई, जबकि उसके साथ होटल में काम करने वाले पीलीभीत के गुलशेर मोहल्ला निवासी सुमित और उसके साथी कैंट के लाल फाटक निवासी कुमार पाल की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक होटल में काम करते थे और अपने घर दूर होने के कारण वह रात में काम समाप्त करने के बाद होटल के ऊपर कमरे में सोते थे। कल रात लगभग 11 बजे काम समाप्त होने के बाद तीनों रोजाना की तरह एक ही कमरे में सोए थे, लेकिन अधिक ठंड के कारण उन्होंने कमरे में अंगीठी को जलाकर रख दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात में अचानक कमरे में जहरीली गैस बनने के कारण तीनों युवकों की हालत बिगड़ गई और वह नहीं उठ पाए। सुबह होने पर भी वह रोजाना की तरह सोकर नहीं उठे और कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े रहे। रात में सोने से पहले उन्होंने मेन गेट के दरवाजे पर भी अंदर से ताला डाल दिया था। आज दोपहर लगभग 11 बजे होटल का एक अन्य कर्मचारी शिवा रोजाना की तरह ड्यूटी पर पहुंचा, तब उसने देखा कि मेन गेट का दरवाज़ा रोजाना की तरह खुला हुआ नहीं है, क्योंकि अंदर मौजूद कर्मचारी सुबह होने पर दरवाजे को खोल देते थे। उसने होटल में मौजूद सुमित, संजीव और पाल को काफ़ी देर तक आवाज़ देकर जगाने की कोशिश की, लेकिन तीनों नहीं उठे। तब शिवा ने होटल के मालिक कृष्णा को घटना की जानकारी दी। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे कृष्णा ने अपने पार्टनर अभिषेक को भी सूचना दी। कुछ देर बाद अभिषेक भी मौके पर पहुंच गया और लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। इसी दौरान घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही अभिषेक मेन गेट पर लगे ताले को तोड़वा चुका था और ऊपर कमरे में जाकर देखा कि कमरे में सो रहे तीनों युवक बेहोशी की हालत में हैं और उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें तीनों को होटल मालिक अपने अन्य कर्मचारियों की मदद से पास में स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक संजीव कुमार की मौत हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुमित और कुमारपाल की हालत भी नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जानकारी युवकों के घर वालों को दी। जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया और सभी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो कल ऐसा ही ऐसा हुआ था। कल जब क्लोजिंग टाइम था, मतलब जब क्लोज पैकअप करते हैं हम लोग 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे बंद करके जाते हैं। जो दो तीन लोग हैं ये अंदर रुकते हैं स्टाफ के, तो इनका काम होता है अंदर सो जाना, फिर अंदर स्टाफ रूम दे रखा है इनको, अंदर रूम में सोते आना। तो इन लोगों ने क्या किया, कल क्लोजिंग टाइम में इन लोगों ने जो अंगीठी होती है लेके आए थे, जो गार्ड वाली होती है, गार्ड को दी हुई है घाट बाहर गार्ड को रखने के लिए, वो उठा के इन्होंने अपने रूम में रख ली और अंगूठी जला के कोयला होता है और रूम निकल लिया अंदर लॉक। तो उसके बाद क्या हुआ, जो भी दम घुटने से जो भी हो गया परेशानी हुई सबको, तो सुबह जब हम लोगों लगा कि 12 बजे जो रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है, लेकिन क्या हुआ 11:30 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं था किसी का। कॉल किया, कॉल किसी ने नहीं उठाया। फिर बाहर से सीढ़ी ले जाके गेट कूद के ओपन कराया, गेट तोड़ के अंदर लॉक ओपन कराया। फिर जब पता लगा कि अंदर क्या हुआ कि ये लोग बेहोश पड़े हुए थे। नहीं दम, मतलब जैसे इनका दम घुटा तो क्या बाहर से कुंडी लगी हुई थी क्या? अंदर से लगी हुई थी। हाँ जी, अंदर से लॉक तो यही तीन होते हैं अंदर। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो जो सुमित है, एक कुमारपाल है, एक सोनू नाम का लड़का है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सोनू जो यहीं बरेली में ही रहता है, लोकल का है। अच्छा, हाँ जी। और सुमित है पीलीभीत का है, कुमारपाल सेनापुर में रहता है। इसमें कोई नुकसान भी हुआ है किसी जने का? नुकसान क्या के मतलब जो छोटा लड़का है 20 साल का होगा सोनू कुमार, उसकी क्या दम घुटने से डेथ हो गई। हाँ जी हाँ जी। वो यहाँ पे एडमिट कराया था, एम्बुलेंस को बुलाया था, पुलिस को बुलाया, सब चेक कराया। बाकी दो लोगों की हालत कैसी है? दो लोगों की हालत में काफ़ी सुधार, बट शाम तक ठीक हो रहे, होश में है। हाँ जी हाँ जी, होश में है। क्या काम करते थे ये लोग आपके? ये सोनू है वो हाउसकीपिंग में था, क्लीनिंग वगैरह काम करता था। और सुमित है वो अंदर किचन में था, और कुंवर पाल भी किचन में था।